मंत्रियों की बैठक बुलाई है। कल शाम 4:30 बजे मंत्रियों की बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक लेंगे। उपचुनाव की तैयारी, स्वच्छता पखवाड़ा पर चर्चा होगी। सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा की जाएगी। सीएम प्रभारी मंत्रियों से जिले की रिपोर्ट ले सकते हैं। कल ये अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक लेंगे, जिसमें उपचुनाव की तैयारी, स्वच्छता पखवाड़ा पर चर्चा हो सकती है। सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा होगी। तो सीएम प्रभारी मंत्रियों से जिले की रिपोर्ट भी ले सकते हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री ने कल मंत्रियों की बैठक बुलाई है, जहां कल शाम 4:30 बजे मंत्रियों की बैठक होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमसे जुड़ चुके हैं। संदीप, कल ये अहम बैठक लेंगे प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, सभी को पता है कि विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर योगी सरकार ने लगभग 30 मंत्रियों की एक पूरी टीम बनाई गई थी। तो जो भी प्रभारी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे फीडबैक लेंगे। और सभी जो राज्य मंत्रियों की भी बात करी जाए, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्री, उनके साथ मुलाकात करेंगे। यानी उपचुनाव की तैयारियों में जुटना है। स्वच्छता पखवाड़ा और सदस्यता अभियान को लेकर देखिए लगातार चर्चा चल रही है। और उसी के साथ साथ देखिए विभाग में किस तरीके से योजनाओं का पालन कराया जा रहा है, किस तरीके से उन पर अमल किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ देखिए ये बात भी सामने आई थी कि राज्य मंत्रियों या फिर स्वतंत्र प्रभार वालों ने ये शिकायत अपनी एक दर्ज कराई थी कि उनको विभागीय कामों की जानकारी नहीं दी जाती है, मीटिंग में बुलाया नहीं जाता है। तो इसको लेकर भी वो कैबिनेट मंत्रियों से चर्चा करेंगे कि सभी को जो है उनका सम्मान मिले और जहां पर भी उनकी मौजूदगी जरूरी हो वहां पर उनको बुलाया जाए। तो एक बड़ी बैठक है कल, जिसमें तमाम तरीके के जो दिशा निर्देश हैं वो देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और उसी के साथ साथ विपक्ष के खिलाफ किस तरीके से मंत्रियों को हमलावर होना है, किस तरीके से जवाब देना है, सरकार की योजनाओं को कैसे गिनाना है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर कल 4:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक है। ठीक है, धन्यवाद संदीप आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कल यह बैठक होगी, जिसमें तमाम विषयों को लेकर मंथन किया जाएगा। और खबर अमेठी से है।